शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जवानी में मैंने गुनाह किया था बाप बनने के लिए। कैसा गुनाह? मैं एक डॉक्टर हूं, हमें कोई संतान नहीं थी। मेरी पत्नी संतान के लिए हमेशा परेशान रहती थी। अब कहां है आपकी पत्नी? शी जस्ट एक्सपायर्ड 7 ईयर्स बैक। और उसके बाद 24 साल पहले मेरी क्लिनिक में मिस्टर सत्यन अपनी मिसेज की डिलीवरी के लिए आए थे। उनका सिजेरियन केस था, उनको जुड़वा बच्चा पैदा हुआ। नर्स की मदद से एक बच्चा गायब करवा दिया था और सत्यन को कह दिया कि दूसरा बच्चा मरा हुआ था। अभिमन्यु वही बच्चा है। अपनी आखिरी सांस लेते समय इनकी वाइफ ने, जिन्हें मैं मां कहता था, इनका सारा पाप मुझे बता दी। तभी से अभिमन्यु उसे कोई रिश्ता नहीं रखता। रिश्ता है लेकिन सिर्फ इंसानियत का। भले ही इन्होंने मुझे पाल पोस का बड़ा क्यों ना किया हो, लेकिन एक बच्चा चोर कभी मेरा बाप नहीं हो सकता। वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने नंदिनी को क्यों मारा? कौन नंदिनी? इस महीने की 15 तारीख को शाम 4 बजे जिसे तुम चन्हित मार्केट में मिले थे। कौन वो पागल? माइंड योर लैंग्वेज, नंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है। सॉरी सर। सर वो मुझे बहुत परेशान करती थी, हमेशा मुझे आलोक समझती थी वो, और बहुत मुश्किल से मैं उसे पीछे छुड़ा पाता था। अभी संडे की रात को ही वो मुझे मिली। और उसी रात तुमने उसे मार दिया। सर मैं क्यों मारूंगा उसे, वो तो खुद अपने जान के दुश्मन बनी बैठी थी। मुझे फोन करके उसने बोला कि अभी मिलो नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी। मैंने कितना उसे समझाया लेकिन वो बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। कर ली होगी सुसाइड। अब सुसाइड नहीं किया उसने, मर्डर हुआ है उसका और तुमने मारा है उसे। देखिए मैडम, हम लोग इज्जतदार लोग हैं, पहले आप सबूत लेके आइए उसके बाद इल्जाम लगाइएगा। ठीक है, बहुत जल्द सबूतों के साथ मिलेगा। किसने मारा होगा नंदिनी? कुछ समझ नहीं आया। कविता, समझ में नहीं आ रहा है कौन जिंदा है कौन मर गया है। अभिमन्यु अभिमन्यु है या आलोक, ये सच बोल रहा है या फिर नंदिनी झूठी थी? किसने मारा होगा उसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एनीवे, ये फाइल रख दो। सर ये पेपर, इस पे कोई व्हीकल नंबर लिखा है। लेकिन ये पेपर इस फाइल में कैसे है? इस फाइल में तो कोई न्यूज़पेपर था ही नहीं। सर नंदिनी का एक्सीडेंट भी कार से हुआ था और उस कार का नंबर हमारे पास नहीं है।
अजीब पहेली, जो ढूंढ रहे हैं वो मिल नहीं रहा, तो जो मिला है उसका पता। एनीवे, तुम आरटीओ से इस व्हीकल की डिटेल्स निकलवाओ। यस सर। क्यों मारा नंदिनी को? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उससे? कौन नंदिनी? मैं किसी नंदिनी को नहीं जानती। कौन है ये? दिन इतवार, टाइम 10 से 10:30 के बीच, जगह चिनेट मार्केट, तारीख 15 अप्रैल 2015, कार का नंबर UP XZ9314। ये कार एक लड़की को टक्कर मारती है और फरार हो जाती है। कार नेहा राजदान के नाम पे रजिस्टर्ड है। घर का पता है हाउस नंबर 202, जवाहर नगर, चार बाग, लखनऊ। और कुछ डिटेल भी जानना है आपको? कोई मेरी गाड़ी का नंबर और घर का एड्रेस दे देता है तो इसका मतलब क्या गुनहगार मैं हूँ? और बाय द वे, 15 अप्रैल की मॉर्निंग को मैं किसी पार्टी के लिए नैनीताल के लिए निकल गई थी, मैं यहाँ थी ही नहीं। क्या सबूत है? कोई सबूत साथ लेके घूमता है क्या? दिन गया याद गई, रात गई बात गई। इतना तो याद होगा कि कार लेकर गई थी नैनीताल या चाबी किसी को देकर गई थी? कार लेकर गई थी। ये तुम्हारी कार डिटेल्स है जो संडे की रात हमें टोल बूथ के पास से मिली, चनट से चारबाग वाले रास्ते में। इतना ही नहीं, आई विटनेस ने पुलिस को बताया है कि जिस कार ने नंदिनी को टक्कर मारी वो सफेद रंग की। तुम्हारी कुंडली निकाल ली है हमने, क्योंकि नंदिनी तुम्हारे और अभिमन्यु के प्यार के बीच में आ गई थी, इसलिए तुमने उसे रास्ते से हटा दिया। लेकिन ये सच नहीं। यही सच है, तुमने ही नंदिनी को मारा है। मैंने नंदिनी को नहीं मारा। तुमने ही मारा है नंदिनी को। मैंने नंदिनी को नहीं मारा, मेरी क्या दुश्मनी है उससे? नेहा अकेली गुनहगार नहीं है, मैं भी इसके साथ इस गुनाह में शामिल था। अंकल आप यहां तक अकेले कैसे आ गए? मैं अकेला कहां हूं? अरे मुझे अभिमन्यु लेके आया है ना, ये देखो अभिमन्यु। अरे अभिमन्यु, अंकल कहाँ है अभिमन्यु? वो तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। ये कैसे हो सकता है? अभिमन्यु ने घर पर मुझसे सब सच उगलवाया कि मेरी वजह से ही नेहा ने नंदिनी को मारा है। झूठ बोल रहे हैं आप डॉक्टर श्रीधर, मुझे सब कुछ पता चल गया है। आपने ही नंदिनी को मरवाया है और ये सच मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। बताइए क्यों मरवाया आपने नंदिनी को? हाँ, मैंने उसे नेहा के हाथों मरवाया है। मैं तुम्हारे और नेहा के बीच में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नेहा मेरे मरहूम दोस्त जगदीश की बेटी है। मैंने जगदीश को वचन दिया था कि मैं तुम्हारी और नेहा की शादी करवाऊंगा, मगर जब मैंने देखा कि तुम्हारे और नेहा के बीच में नंदिनी आ रही है, मैं घबरा गया। मुझे लगा कि मैंने मेरे दोस्त को दिया हुआ वचन टूट जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर जब नेहा ने मुझे बताया कि नंदिनी तुमसे मिलने आ रही है, मैंने अपना आपा खो दिया। आलोक प्लीज मुझे अब सताना बंद करो, तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यार नंदिनी देखो, तुम मुझे पागल बना दोगे, समझी? ना मैं कोई आलोक हूं और ना ही तुम्हारा हस्बैंड, मैं अभिमन्यु हूं, अभिमन्यु, और मैं सिर्फ नेहा से प्यार करता हूं, समझी? आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना।
आलोक प्लीज, आलोक प्लीज, आलोक। नेहा वो लड़की जा रही है।